अस्सलामु अलैकुम, अब्दुल रऊफ टिप्स के चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट के ट्रेंड को वॉच करके किस तरह से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, जिस तरह के आज की डेट में भी मैंने प्रॉफिट किया। तो अगर आप भी ट्रेडिंग जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ट्राई करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यही मैं फीडबैक या मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो है आपने रियल में पैसा इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली आपने रियल में पेमेंट नहीं करवानी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आज की डेट में आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस वीडियो, जो कल की वीडियो आपने अगर मेरी वो देखी हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। 2011 को भी इसने 1920 के 40 के लगभग इसने हाई लगाया, 2011 की बात कर रहा हूँ, और अभी कुछ माह पहले ये गालबन 1800 1700 1600 1500 के लगभग ये मार्केट थी, तो अब जो है ये 1980 जो है ये हाई लगा के आई है, मतलब 2011 का स्पॉट रेजिस्टेंस के मुताबिक। अब यहाँ से कुछ पॉइंट इसने रिवर्स करने थे, क्योंकि इसने काफ़ी हाई जो है या काफ़ी टाइम पीरियड के बाद मार्केट का दोबारा हाई न्यू रिकॉर्ड लगाया इसने 2011 से 2020, अब जो मौजूदा चल रहा है, अब तो वो भी ख़त्म होने वाला, 21 रह गया। तो कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो मार्केट के ट्रेंड को मद्देनज़र रखें। अभी जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बाय है, मैंने सेल लगाई है तो लॉस हुआ, बाय के ऊपर मैंने जितनी भी ट्रेड की हैं वो प्रॉफिट में ही गई हैं, और वो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि मार्केट अभी ट्रेंड ऊपर है। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी हम जब गोल्ड के ऊपर लगा रहे हैं या हमें लगता है कि गोल्ड बहुत ऊपर जा चुका है, अब इसे नीचे आना चाहिए, तो मैं आपको इस मार्केट में एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट अभी सेलिंग की तरफ नहीं आती, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। ये बात करने का मकसद आपको ये है कि अगर आपको मार्केट का ट्रेंड देख के ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, बहुत ऊपर जा चुकी है, तो ये 90% लोगों की भी यही सोच होगी, तो आपने उसके उल्ट चलना। ये मार्केट इतने सालों से बिला वजह नहीं टिकी हुई कि अलग-अलग ब्रोकर आ रहे हैं और इस पर लोग काम कर रहे हैं, और 90% जो लोग हैं वो इस पर लॉस करते हैं, और लॉस की रीज़न ही यही होती है, खुद आइडिया लगाना कि मार्केट जो है अब बहुत ऊपर जा चुकी है, अब इसे नीचे आना चाहिए। अगर अब यहाँ से मैं आपको ये 4 घंटे की या 1 घंटे की यहाँ से आपको दिखाऊँ, तो यहाँ से ये गोल्ड यहाँ से गिरा और इसने 75 पॉइंट ये नीचे गिरा, उसके बाद वापस ये ऊपर गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई भी करेंसी का ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा ना, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जूम आउट आपको बताता हूँ कि ये zigzag इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। अगर मैं जूम आउट आपको करके बताता हूँ तो ये देखें ना, यहाँ से ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो सीधी ऊपर चली जाए, तो ये zigzag ज़रूर करेगी, ताकि जब ये 50 पॉइंट नीचे गिरे तो बहुत से लोगों को लगे कि लो भाई अब जैसा कि बहुत ऊपर जा चुकी है, अब ये नीचे ही गिरेगी, अब तो सेल बनती है, तो बहुत से लोग जो हैं वो सेलिंग में आ जाते हैं, बाय की जो पोजीशंस होती हैं या उसको हेज कर देते हैं या उसको क्लोज कर देते हैं। तो जब वो सेल की पोजीशंस लगाते हैं तो कुछ पॉइंट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, उन्होंने लगता है कि लो जी मार्केट को पता लग गया, ये जो है ना कंपनी, ये ब्रोकर जो है या ये जो कैंडल्स चल रही हैं ये मेरे ख़िलाफ़ हैं, जैसे मैंने लगाई है उसी वक्त ये ऊपर चली गई है, उनको पता है कि जी ये अब्दुल रऊफ ने लॉट लगाई है और ये इनको लॉस देना है। तो ये जो है बहुत सी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है, अगर आप बिला वजह की ट्रेड अगर आप लगाएंगे, पोजीशंस आप नहीं वॉच करेंगे, आप ट्रेंड को नहीं मद्देनज़र रखेंगे, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे रहा हूँ, उसमें मैंने जो भी सेल की लॉट लगाई है उसमें मुझे लॉस हुआ और जो बाय की लगाई है उसमें प्रॉफिट हुआ। आज की डेट में ये देख सकते हैं कि 150 जो है वो मैंने विड्रॉवल लिया, 24.86 $25 के लगभग आज की डेट में मुझे प्रॉफिट हुआ, और ये आप अगर नोट करें तो मैंने टोटली
ओवरऑल जितनी भी लॉट्स लगाई हैं वो मैंने बाय की लगाई हैं, तो किसी पे $2, किसी पे $3 उठाया, $10 उठाया, $8 उठाया, इस तरह मैंने इस पे प्रॉफिट किया। और एक टाइम पे नहीं मैंने ये वन वन की लगाई, मतलब मैंने ऊपर, मुझे लगा कि मार्केट नीचे आई है और अब ये रिवर्स जो है होने के बाद दोबारा अप जाएगी, तो मैंने एक लगाई। जब दोबारा मार्केट ने 5 पॉइंट मूवमेंट किए उसके बाद मैंने एक और बाय की तरफ लगा के, इस तरह मैंने जो भी प्रॉफिट किया आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो है हिम्मत मत हारिएगा, ये वीडियो बनाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये उन लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं उनके जवाब ये हैं कि जी हम जब भी बाय लगाते हैं मार्केट नीचे आ जाती है, और जब भी हम सेल लगाते हैं मार्केट ऊपर चले जाती है। तो देखिए मार्केट कभी भी अगर ऊपर जा रही है तो प्रॉपरली ऊपर नहीं जाएगी, ज़िगज़ैग ज़रूर करेगी। यही सेम चीज़ अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, सेलिंग में जा रही है, सेलिंग ट्रेंड है, तो भी वो ज़िगज़ैग करने के लिए ऊपर तो ज़रूर जाएगी। वो 50 पॉइंट हो सकते हैं, 70 पॉइंट हो सकते हैं, तो वो आपने मद्देनज़र ज़रूर रखने होंगे। सबसे पहले डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए, जूम आउट करके कैंडल फॉर डे वाइज, वीकली वाइज या मंथली वाइज मार्केट को वॉच कीजिए, कैंडल में कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, तो आप एक बार लगा के ट्राई ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपको 99% मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि मार्केट को ट्रेंड को मद्देनज़र रख के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, करने को आपका दिल करे मेरा प्रॉफिट देखने के बाद, तो रियल में मत आइए, डेमो कीजिए। उसके बाद जब आपको बेसिक का कंफर्म हो, डिपॉजिट विड्रॉवल का कंफर्म हो, अच्छा ब्रोकर हो, तो मैं कर रहा हूँ कबाना कैपिटल में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कीजिए, आपको अकाउंट मैनेजर रब्ता कर लेगा, बगैर स्क्रीन रिटेलर के आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये ब्रोकर है, इसको काम करने का, इसको चूज़ करने के रीज़न यही है कि इसका काफ़ी लो सपरेट है, तो एक बार ट्राई कीजिए। स्क्रीन अगर आपका नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैस कैश बैंक अकाउंट से आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, और विड्रॉवल आपको मैक्सिमम 1 आवर में मिल जाएगा। 24 घंटे का टाइम तो रहा नहीं होता, लेकिन 1 से 2 घंटे में आपको विड्रॉवल मिल जाता है, तो आप इस पर काम कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह ब्रोकर और आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, करना चाहते हैं तो जैसे मैं बार बार इसीलिए आपको डेमो का कहता हूँ कि आपका लॉस ना हो। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अब्दुल रऊफ़ टिप्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई शिकायत है तो डिसलाइक तो ज़रूर कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ आपको जो इसमें समझ नहीं आई, या आपको लगा कि मैंने मिस की, या कौन सी चीज़ मैंने गलत गाइड की, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं तो उन्हें आसानी हो सके कि मेरी वीडियो में क्या चीज़ अच्छी और क्या बुरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके और अच्छी बातें वो सीख सकें, उन्हें भी कंफर्म हो कि इससे ये मार्केट डेंजरस है, नो डाउट, इसमें अगर प्रॉफिट है तो लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिस्की काम है ये। इसलिए कोई भी अगर आप ब्रोकर की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो लास्ट में लिखा होता है कि जी ये बड़ा रिस्की काम है, जैसे सिरगढ़ पर लिखा होता है कि तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मज़र है या इससे कैंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी चल रहा है, तो ये डेंजरस है नो डाउट। आप समझ के कीजिए, मार्केट के ट्रेंड को देख के कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।